दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, एक बहुत इंपॉर्टेंट शो और टैक्टिकल एनालिसिस, एनालिसिस नहीं कहूंगा, ऑब्जर्वेशन कहूंगा। हम छोटे लोग हैं, हम एनालिसिस नहीं कर सकते। हम सादिक भाई की तरह इतने बड़े आदमी नहीं है, लेकिन मैं शायान उबैद अलेक्जेंडर, और मेरे साथ आप सोच रहे होंगे कि ये नई शख्सियत जो है कौन है। ये आपने इनको बहुत बार मेरे चैनल पे देखा हुआ है, लेकिन दर्शन भाई जो है वो बहुत अरसे के बाद जो है कम बैक मार रहे हैं मेरे चैनल पे। मैंने कहा लोंडा जो है काफी टाइम से सीन से बाहर हुआ है, तो इसको जो है हम सीन में गेम के अंदर वापस ले आते हैं। एंड दर्शन भाई इज बैक विद अ न्यू रूप, विद अ न्यू लुक। दर्शन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल शैन भाई, बिल्कुल बढ़िया हूँ। हाँ, थोड़ी छोटी सी ब्रेक ले ली थी, मगर अब फिर से वापस कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। और इससे बेहतर क्या मौका होगा? देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हारा, वो तो मैं सबसे हाँ खुश हूँ भाई। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिटी ट्रेबल जीते या ना जीते, मगर यूनाइटेड हाँ हार गया, वो मुझे मजा आ। मैंने भी पोस्ट की ना, तो मैंने भी यही कहा कि यार मैं ऑफिस में फंसा हूँ, तो आई एम अ कॉर्पोरेट स्लेव, मैं आज नहीं कर पाऊंगा लाइव स्ट्रीम। तो मैं बुरी तरह फंस गया, तो मैंने कहा यार चलो अब आके ना दर्शन भाई के साथ एक टेक्टिकल एनालिसिस होना चाहिए। मैंने सब्सक्राइबर से वादा किया हुआ था, तो शुरू करते हैं टेक्टिकल एनालिसिस। और पहले तो भाई गंदोगान भाई कमाल किस्म की उसकी परफॉर्मेंस थी। मैं यहाँ पे पहले वो खोल देता हूँ टेक्टिक्स बोर्ड, आप साथ साथ बोलते जाओ। दर्शन भाई, व्हाट इज योर थॉट्स, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन गंदोगान? यार, व्हाट अ अंडररेटेड प्लेयर भाई। आप एक चीज नोटिस करो कि इतने सालों से सिटी में है और पिछले शायद 2 महीने से ही उसका नाम अभी आ रहा है रडार पे। सबको पता है क्लास प्लेयर है, मगर उतनी ज्यादा उसको प्रेज नहीं मिलती जितना बड़ा वो प्लेयर है। और हाँ हमेशा आप कह लो सिटी के कोई भी इंपॉर्टेंट मैच हो, उसका गोल आता ही आता है। लास्ट ईयर आपको याद यस होगा एस्टन विला के सामने किसने गोल किया था? बिल्कुल, गुंडोगान ने स्कोर किया था। सो हमारा क्लच दिल प्लेयर है तोड़ा। भाई, एकदम। हाँ भाई, काश काश मार्वलस नकम्बा को ना हटाते यार। वो ल्यूटन टाउन में मजे लूट रहे हैं। मार्वलस नकम्बा वो प्रमोट भी हो गया है। तो बिल्कुल, यार थोड़ा हमको उसको दुख ले हुआ, तो मगर क्यों यार नहीं मुझे लिया। वो पहले से पसंद है शान भाई, मैं डॉटमन के टाइम से पसंद है उसको। सो हाँ, चलता सेम है। हियर। ही आल्सो स्कोर्ड अ गोल, आई थिंक वो उसी ने गोल मारा था, वो बायर्न म्यूनिख वाला 2013 में जो फाइनल में गोल मारा था, 2-1 जो बायर्न म्यूनिख जीती थी। आई थिंक एक हाँ हाँ रिबरी ने गोल मारा था, एक रॉबिन ने किया था, और एक इसने मारा था, गंदोगान ने, जहां तक मुझे याद है। अच्छा, टेक्टिकल एनालिसिस एनालिसिस पे थोड़ा आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम बेसिकली एनालिसिस नहीं कर रहे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने गेम से क्या सीखा। बेसिकली हमने क्या सीखा गेम से, मैंने क्या सीखा, दर्शन ने क्या सीखा, और दर्शन ने जो लाइव मैच देखा उसमें दर्शन की क्या ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, मेरी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी ना, वो तो ये थी भाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें आई थिंक थोड़ा सा चले जाना चाहिए सेंट्रल पेनिट्रेशन की तरफ। अब ये है जी, आपको जैसे पता है कि सेंट्रली पेनिट्रेट करने का बहुत शौक है। इट साउंड्स रियली रॉन्ग, बट सिटी को बहुत ज्यादा शौक है सेंट्रल पेनिट्रेशन का। और दूसरा ये है कि दे ट्राइड कि किसी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना, मतलब बीच में से निकलने की कोशिश की जाए। बट वन थिंग जो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ करना चाहूंगा, और मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है तारीफ करते हुए, क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ करने की, वो ये था कि इट वॉज अ वेरी वेरी नैरो 4-2-4। मतलब इस तरह का एक स्ट्रक्चर आप समझ लें कि ऐसा एक स्ट्रक्चर था। ये देखें, हाफ स्पेस में, मैं कहने का मेरा मकसद ये है हाफ स्पेस में। तो रैशफर्ड वॉज देयर, एरिक्सन वॉज देयर, ब्रूनो और सैंचो बहुत ज्यादा नैरो, बहुत नैरो खेलते, बहुत ज्यादा। इससे बिल्कुल वो क्या रहता है कि आपको नजर आ रहा है जैसे लाइंस के बाहर अब सिर्फ दो लोग हैं जो विंग्स पे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। एक है जी ल्यूक शॉ और दूसरा है वैन बिसाका। अब अगर आपको, अगर मैं स्टैट बताऊं तो 53 लॉन्ग बॉल्स किए थी मैनचेस्टर सिटी ने, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। मैनचेस्टर सिटी इज नॉट नोन फॉर लॉन्ग बॉल्स, लेकिन उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को मतलब देखते हुए अडेप्ट किया, और 53 लॉन्ग बॉल में से 36 लॉन्ग बॉल्स उनकी सक्सेसफुल थी, मतलब वो निशाने पे पहुंची। मींस कि एरियल ड्यूल्स बहुत ज्यादा आराम से वो जीत रहे थे। तो दर्शन भाई, हमने ये भी देखा है कि 36% पोजेशन के साथ मैनचेस्टर सिटी जीतती है एमिरेट स्टेडियम पे वर्सेस आर्सेनल। और अभी आप देखो लॉन्ग बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेप गार्डियोला हर गेम में अलग तरीके का इस्तेमाल करता है जीतने के लिए।
what are your thoughts about his you know adaptability? बिल्कुल, और यही तो साइन है ना ग्रेटनेस की. आप भले ही आप कितना भी बोल दो, मैं भी बहुत बोलता हूँ कि यार 115 चार्जेस लगे हैं, ये बहुत ज्यादा पैसे, मगर ऑन द फील्ड जो उसने करके दिखाया है, वी हैव टू अपलोड हिम. और जैसे आपने कहा कि हमने पहले नहीं देखा कि सिटी लॉन्ग बॉल को इतना ज्यादा यूज करती हो अंडर द पैक, मगर पिछले आप कह सकते हो कि दो ढाई महीनों में बड़ी टीमों के सामने उन्होंने ये चीज अपनाई. और उसका एक और रीजन है कि हालन है जो एक डोमिनेंट प्रेजेंट प्रोवाइड करता है, सॉरी डोमिनेंट प्रेजेंट प्रोवाइड करता है, और वहां वो बॉल को कैरी कर सकता है, ग्रिलिश को दे सकता है, बर्नार्डो को दे सकता है. सो एक नया आप कह सकते हो कि एस्पेक्ट ऐड किया है सिटी ने इसमें. मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, यार आपने जो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्मेशन दिखा है बहुत ही सही है, मगर एक बंदे से मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, अगर मैं बात करूं यूनाइटेड की, कि एरिक्सन जो उसका यूजुअली परफॉर्मेंस होता है वो नहीं. बिल्कुल, उस पर आपको क्या लगता है यार, एरिक्सन क्योंकि उसके कंफर्टेबल पोजिशन में नहीं था इसलिए हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि जो टैक्टिकल ट्विक किया टेन हाग ने वो उस पे भारी पड़ गया यार, क्योंकि जैसे एरिक्सन कंफर्टेबल नहीं होता बहुत आगे. हाँ बहुत आगे था, आप सही कह रहे हो, सेकंड स्ट्राइकर ऑलमोस्ट एक खेल रहा था सेकंड स्ट्राइकर की तरह जस्ट बिहाइंड रैशफोर्ड. तो वो जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम एरिक्सन जो था वो खींचा चला जाता था डियाज की तरफ, डियाज वाली तरफ जब वो खींचा चला जाता था तो आप ये देख रहे हो कि अब ये बीच वाली जो जगह है ये बिल्कुल खाली हो रही है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और यहाँ से बहुत आराम से, क्योंकि हालैंड वॉज ड्रॉपिंग रियली डीप, हालैंड डीप ड्रॉप कर रहा था, और ये केडी भी इतना खबीस आदमी है कि ये यहाँ चला जाता था, और ये क्या नाम है इसका गंदोगान, ही ऑल्सो यूज टू ड्रॉप हेयर. तो होता ये था कि कैसेमिरो इधर खींच जाता था गंदोगान की तरफ, और फ्रेड भाई साहब जो थे मतलब डबल पिवट में दोनों बंदे खिंच गए हैं, ये दोनों खिंच जाते थे बिकॉज केडीबी एंड गंदोगान यूज टू ड्रॉप वेरी वेरी डीप. एस्पेशली मैं ओपन प्ले की बात करूं, मैं सेट पीसेस की बात नहीं कर रहा, ओपन प्ले में मैंने देखा ये दोनों बहुत डीप ड्रॉप करते थे. और साथ में अगर आप देखो तो जॉन स्टोन्स भाई, ये इतना हरामी किस्म का आदमी है, मतलब चार बंदे इसके ऊपर आके प्रेस कर रहे हैं, रैशफोर्ड चढ़ा हुआ है, सैंचो चढ़ा हुआ है, एरिक्सन भी चढ़ा हुआ है, ब्रूनो को भी मिला दो, चार बंदे आ रहे हैं, योहान क्रॉइफ टर्न मार रहे हैं, अगला योहान क्रॉइफ टर्न मार रहे हैं, और बीच में से निकल के यहां से निकलता था और सीधा पास दे देता था हालैंड को, सारी लाइन ब्रेक हो जाती थी. सो दिस इज द काइंड ऑफ डिकॉय जो कि मुझे बोलो, जो शैन भाई आपने कहा कि यार ब्रूनो राशफोर्ड जो प्रेस करते वो इफेक्टिव नहीं था, वो दोनों जाते तो थे मगर कोई एक पैटर्न नहीं दिख रहा था. देखो सिटी जब प्रेस करती है, अभी अभी जो हमने सेकंड हाफ ऑफ सीजन में प्रेस करना स्टार्ट किया वो एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से, यहाँ पे वो मुझे लगता है शायद सांचो को उतना ज्यादा मौका नहीं मिलता है, इसीलिए एक आप कह सकते हो कि ट्यूनिंग में या फिर एक सिंक्रोनाइजेशन में ये प्रेसिंग नहीं हुई लास्ट मैच में, वरना तो वो लोग भी अच्छी प्रेस करते जब एंटनी होता है. इवन दो मैं एंटनी का वर्क रेट को उतना ज्यादा नहीं मानता, मगर फिर भी एक साथ लोग जाते हैं, मगर कल ऐसा नहीं देखने को मिला. हाँ एक मैं पिक्चर दिखाता हूँ तुम्हें, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि कितनी कम विड्थ है मैनचेस्टर यूनाइटेड की. अब ये देखो, ये जगह देखो, ये अब ये ल्यूक शॉ है, ये ल्यूक शॉ है, ठीक है, ये है जी वैन बिसाका. नाउ लुक एट वेयर इज क्रिश्चियन एरिक्सन, एरिक्सन मेरे ख्याल से आगे गया है, नहीं ये रैशफोर्ड है, दिस इज रैशफोर्ड, ये सांचो हो गया. अब सांचो देखो कितना नैरो है, हाफ स्पेसेस में ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, ज्यादा वाइड नहीं जा रहा, जा हाफ स्पेस में ही रहे. अच्छा अब हम आते हैं इस पे ब्रूनो पे, अगेन ब्रूनो भी काफी डीप ड्रॉप इन भी कर रहा था अगर देखा जाए, हाफ स्पेस में भी था, लेफ्ट हाफ स्पेस में भी था. क्रिश्चियन एरिक्सन, अब क्रिश्चियन एरिक्सन ने 21 टचेस लिए, और इसका हीट मैप अगर आप देखो तो हमें यही लग, हमने वही बात की कि वो एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा था, और वो जस्ट बिहाइंड रैशफोर्ड खेल रहा था, जस्ट बिहाइंड, क्योंकि रैशफोर्ड बहुत ज्यादा बॉक्स के अंदर ये देखो घुस रहा है, बॉक्स में वो घुस रहा है. बट द प्रॉब्लम इज के उसको वो न्यूट्रलाइज कर रहे थे अपने क्या नाम है रॉड्री जो है,
रॉड्री एंड जॉन स्टोन्स इतने ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट थे क्योंकि वो बॉल पे इतने अच्छे हैं, तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये बहुत नैरो है, ये वाली जो जगह है ना, ये बहुत ज्यादा नैरो है। ओनली द फुल बैक्स आर प्रोवाइडिंग विड्थ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो कि यार एक ही अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की अभी आपने देखा ही उसमें कि एक ही एरिया में पांच प्लेयर है, एक ही एरिया को पांच प्लेयर कवर कर रहे, वाइड पे कोई कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा। अगर थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सिटी लॉन्ग बॉल यूज कर रहा था, चलो लुक शो को लॉन्ग बॉल डालना है, किसे डाले, सभी लोग एक ही जगह पे है। सो आप खुद ब खुद लिमिटेड कर रहे हो अपने प्लेइंग स्टाइल को। सो कल पूरी तरह से डोमिनेट था सिटी, मगर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस भी मेरे हिसाब से बिलो द पार था। आप कितना भी टेन हाग को बोल दो कि ये है वो है, बहुत अच्छा कोच है, मैं मानता हूँ कोच अच्छा है, मगर उसको उसके प्लेयर चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर उसके नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज है, मैं ये ऐड जरूर करूंगा कि आई थिंक पहले तो गोलकीपर मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए, स्ट्राइकर उनको लाजमी चाहिए, डबल पिवट में एक प्लेयर उनको लाजमी चाहिए, और एक ऐसा सेंटर बैक उनको चाहिए अगर हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि लीचा अगर इंजर हो जाए या वरान अगर इंजर हो जाए तो वो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हो और वो अच्छी बॉल्स निकाल के दे सके। वो अभी उनके पास नहीं है, सिर्फ दो ही हैं सेंटर बैक्स जो कि एरिक टेन हाग की फिलॉसफी में खेल सकते हैं। और आप अगर देखो डेगेया को, तो वो बार बार अपोलोजाइज कर रहा था कि यार मेरे से लॉन्ग बॉल लग नहीं रही, बार बार थ्रो इन की जा रही, तो वो एक और मसला था। और ये स्ट्रक्चर देखो सिटी का, अभी सिटी का देखो साफ पता लग रहा है, 3-2-5 साफ पता लग रहा है, नजर आ रहा है। रॉड्री हल्का सा पीछे है, फाइव नंबर की शर्ट में वो है अपना जॉन स्टोन्स है, वो थोड़ा सा आगे गया हुआ है, बाकी फ्रंट फाइव बिल्कुल नॉर्मल है। और केडी भी इवन दो ही वाज ड्रॉपिंग, लेकिन जब उसने इंसाइसिव रन बनाना होता था वो बना के देता था, दैट इज व्हाई इतना ज्यादा वो हाई आपको नजर आ रहे हैं इस मैप के अंदर। तो चीजें वहां पे है जहां आपको केबीडी चाहिए होता है, क्योंकि वो एरिया से जो बॉल डिलीवर होता है। पर हाँ, भले ही कल आप कह सकते हो कि जो यूजुअल कनेक्शन होता है केबीडी हालैंड वो नहीं हुआ, मगर उसकी पोजीशन देखो एकदम परफेक्ट। आप कह सकते हो कि मेरे ग्रेलिश भी थोड़ा ज्यादा डीप है, क्योंकि वो गेम में इन्वॉल्व ज्यादा होता है अब पहले की कंपैरिजन में, लास्ट सीजन की कंपैरिजन में। वो जाता है और वाइड में रन बनाता है, प्लेयरों को ड्रैग करता है उसके साथ, फाउल कंसीड करता है, फ्री किक जीतता है। सो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे प्लेयर में हो रहा है इस सिटी साइड। अब अगर हम गंदोगान की बात करें, तो गंदोगान की अगर आप ये हीट मैप में देखो, ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन दैट फार पोस्ट, बिल्कुल जो आपको एंड के सिरे पे नजर आ रहा है ना, वो जो हीट मैप में, ही इज मेकिंग दोज रन्स इन द फार पोस्ट, उससे साफ आपको पता लग रहा है। इट मींस के वो जैसे एस्टन विला के खिलाफ गंदोगान ने फार पोस्ट में रन मार के दो गोल निकाले थे इन द ऑन द लास्ट डे ऑफ, जिसमें हमारा ऑब्वियसली दिल टूटा था और मार्वलस नकंबा को वो ले आया था स्टीवन जेरार्ड, तो यहाँ पे भी वही नजर आ रहा है। बट सेट पीसेस पे बहुत खराब थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उन्होंने अगेन जोन 14 को दोनों बार खुला छोड़ा था। मैं मानता हूँ फर्स्ट गोल में, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि डेगेया जो था उसकी पोजिशनिंग बहुत ज्यादा खराब थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। सेकेंड में उसने बॉल टच कर दी थी अपने हाथ से, वो सेव करने के लिए जा रहा था, वहां पे भी पोजिशनिंग खराब थी। बट हैविंग सेड दैट, आपके 10 बंदे बॉक्स के अंदर घुसे हुए थे उस सेट पीस के सिचुएशन के अंदर, और आपने जोन 14 बिल्कुल नंगा छोड़ा हुआ था। ये किसकी गलती है? ये डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं है या सिर्फ डेगेया की गलती है? नहीं, बिल्कुल डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। चलो आप मानो कि वहां पे अगर मैग्वायर ऑन द पिच होता तो लोग मैग्वायर को क्वेश्चन करते। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि यूनाइटेड के डिफेंस को ऑर्गेनाइज कर? शायद मुझे लगता है वरान की होगी। जो भी बैकलाइन का लीडर है उसकी मेन इश्यू है कि भाई उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया, अच्छे से कमेंट नहीं किया कि भाई इसको ट्रैक करो, क्योंकि पहले 12 सेकंड में गोल करके गया है सेम टू सेम। आप देखो वो ओपन प्ले से था मैं मानता हूं, मगर फिर भी जब गोल आया कोई भी गुंडवान को ट्रैक नहीं कर रहा था। आप कह लो कि भाई अभी अभी मैच स्टार्ट हुआ, शायद उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर का, मगर सेकंड हाफ में आके आप फिर से वही गलती करते हो तो ये तो आप क्वेश्चन रेज करने ही पड़ेंगे आप। उसके अलावा मैं एक और प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप देखो अकांजी, जिस तरह से वो साइड कवर करता है बहुत ही अच्छा प्लेयर है,
बिल्कुल उसका हीट मैप नहीं देखा कि यार उसको कोई ट्रबल हुई हो उस साइड, भले ही कोई भी आ गया हो उसके सामने। आप कह लो कि भाई कभी कभी ब्रूनो जाता था उस साइड पे, कभी रैशफोर्ड रन बनाता था, मगर बहुत ही सॉलिड बंदा है। आप एक चीज मान के चल सकते हो कि भाई वो आपको बहुत अच्छे अच्छे पासिस नहीं देगा फॉरवर्ड पासिस में, मगर बैकलाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो अकान जी मुझे तो बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो कि साइनिंग लगी, क्योंकि डॉटमन से बहुत ही कम दामों में उन्होंने खरीदा है। सो ये एक मास्टर साइनिंग आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छी साइनिंग। अच्छा एक मैं ना, क्योंकि हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मैं एक पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑपोजिशन हाफ में यानी कि फाइनल थर्ड में पिछले 4 सालों का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, 4 सालों में उनका सबसे ज्यादा उन्होंने बॉल विन की है, मतलब 5.4 टाइम्स उन्होंने बॉल विन की है फाइनल थर्ड के अंदर। मींस के एरिक टेन हाग ने उस चीज में वो इंप्रूवमेंट लेके आया है, जो कि हम पीपीडीए की बात करते हैं या हम हाई टर्नओवर की बात करते हैं कि यार इसका हाई टर्नओवर अच्छा हो गया, वो हाई टर्नओवर बेहतर हुआ है, ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं हुआ, लेकिन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास उस चीज के प्लेयर्स नहीं है। एक और बात मैं मिस करके, हम गर्नाचो को नहीं भूल सकते। गर्नाचो वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जब वो आया। इवन सादिक भाई भी वो बात कर रहे थे अपने पॉडकास्ट में, मैं कल बैठा भी हुआ था उनके साथ उधर डेली फुटबॉल मैडनेस में, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि जब गर्नाचो आया है तो उससे पहले उनके मतलब एक शॉट था ऑन टारगेट सेकेंड हाफ के अंदर, एक शॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एंड व्हेन ही केम ऑन, तो जब मैच खत्म हुआ है तो 13 शॉट्स के साथ उन्होंने खत्म किया है मैच, 13 शॉट्स। ये इम्पैक्ट था गर्नाचो का, वो मुझे गावी वाली वाइब्स देता है। क्या घुसता है आपके अंदर, टेनेसिटी है उसके अंदर, क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है, विड्थ भी प्रोवाइड कर सकता है, हाफ स्पेस में भी आ सकता है। गर्नाचो इज अ सीरियस प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत क्लास प्लेयर है। आपका क्या ख्याल है गर्नाचो को? बिल्कुल, मैं आपकी सभी बातों से अग्री करता हूँ, और स्पेशली जब गर्नाचो को आप बेंच से लाते हो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जब वो स्टार्ट करता है तो अभी भी लोगों के मन में क्वेश्चन है, मेरे मन में भी है कि भाई जब वो स्टार्ट करता है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, मगर जब वो बेंच से आता है एक क्लियर आपके मन में छाप छोड़ जाता है कि ये बंदा आया और कुछ करके दिखाया उसको, भले ही गोल ना हुआ लास्ट मैच में, मगर उसका इम्पैक्ट था। आप देख सकते हो कि एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा था कि कुछ हो जाए। आई थिंक एक ना, मेरे ख्याल से जब गर्नाचो आया ना तो ब्रूनो अपनी नेचुरल पोजीशन में खेलना शुरू हो गया, रैशफोर्ड अपनी नेचुरल पोजीशन में खेलना शुरू हो गया, और वो दोनों इंटरचेंज कर रहे थे, मतलब गर्नाचो और रैशफोर्ड दोनों इंटरचेंज कर रहे थे। रैशफोर्ड स्ट्राइकर आता था, गर्नाचो लेफ्ट चला जाता था, गर्नाचो सेंट्रल आता था, वो लेफ्ट चला जाता था विड्थ प्रोवाइड करने के लिए रैशफोर्ड। इसलिए सेकेंड हाफ में मुझे बहुत बेहतर लगी। आखिरी जो हम एक पॉइंट आउट मैं चीज करना चाहूंगा, और मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछूंगा कि दर्शन भाई आपको क्या लगता है वो पेनल्टी थी या नहीं थी, वो जो ग्रीलिश का हैंडबॉल हुआ था जो कि ब्रूनो को दे दिया गया, क्या वो पेनल्टी थी? भाई क्या ही बोल सकते हैं भाई, आपको पता है ना वीएआर में कौन बैठा था, और वो बहुत फेमस है। सभी को पता है कि उसकी प्रोफाइल में, आप सोशल मीडिया की उसकी प्रोफाइल में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टेडियम है ओल्ड ट्रैफर्ड उसकी फोटो लगी हुई है। सो बहुत ही एविडेंट है। अगेन मैं बायस होके नहीं बोलूंगा, मगर 50-50 कॉल आप कह सकते हो। फिर से बहुत बार दे देते हैं इंग्लिश रेफरी, बहुत बार नहीं देते, तो यूनाइटेड होती है तो ज्यादातर दे ही देते हैं। बिल्कुल सही कहा यार, बिल्कुल। मेरे लिए तो हार्श था यार, मेरे लिए तो आई थिंक इट वाज हार्श, क्योंकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था। दूसरा, ग्रिलिश पीछे भागता हुआ आ रहा था, ही हैड नो आइडिया कि बॉल कहां पे है। इसीलिए तो शैन भाई मैंने कहा कि यूनाइटेड होती है ना तो दे ही देते हैं ये। अच्छा एक बंदा मिस कर रहे हैं हम, एक बंदा मिस कर रहे हैं, अगर उसका हम नाम नहीं लेंगे तो हम ज्यादती करेंगे। मुझे लगा ओर्टेगा की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इट वॉज बेटर देन डेहिया, एंड शॉर्ट स्टॉपिंग में भी ही वॉज गुड, ही वॉज प्रिटी गुड, इवन दो वो सेकेंड चॉइस कीपर है, बट ओर्टेगा की मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल गेम खेला है वो इस फाइनल के अंदर। और पूरे एफए कप में इनका सेकेंड चॉइस गोल कीपर भी ओर्टेगा ही था मैनचेस्टर सिटी का, तो भाई ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अगेन प्लेयर अच्छा है, मगर शैन भाई देखो आप, उसको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, उतना ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ, भले आप कह लो कि 13 शॉट, मगर उसमें से जेन्युइन उसको स्टॉप करने पड़े वैसे शॉट कितने थे, बिग चांसेस आप कहते हो। सो मेरे हिसाब से वो बहुत कम थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि
अच्छा प्लेयर नहीं है। हाँ मैं अग्री करता हूँ कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, मगर आपको पता ही है सिटी में अगर आपको खेलना होता है तो आपका गोलकीपर बॉल से अच्छे से खेल सकता होना चाहिए, ही शुड बी गुड विथ हिज फिट, और वो बंदा वैसा है। उससे ज़्यादा तो उस पर नहीं बहुत बात कर सकता, मेरे हिसाब से अच्छा ही प्लेयर है। हाँ 1.2 एक्सजी था अगर हम स्टैट्स निकाल के देखें, मैनचेस्टर सिटी का 1.2 था और 1.9 था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मतलब शॉट्स की जो क्वालिटी थी वो बेटर थी बेसिकली। तो इट मींस के मैनचेस्टर यूनाइटेड सेंट्रल पेनिट्रेशन जब रोकी तो इट मींस के वो काफी ज्यादा न्यूट्रलाइज हो गए थे, बट लॉन्ग बॉल पे वो वाइड स्पेसेस में मार खा गए, जो वाइड स्पेसेस क्योंकि वो वाइड चले गए मैनचेस्टर सिटी वाले, तो फिर ये उनके साथ हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है कि दिस इज व्हाई दे लॉस्ट। और जब पोस्टमैन के इंटरव्यू हुआ तब भी सेम चीज बोली टेन हाग ने कि भाई हमारे जो दो गोल कंसीड हुए हैं बहुत ही सॉफ्ट है, और मैं मानता हूं कि दोनों गोल जो उन्होंने कंसीड किए हैं आप कह सकते हो कि डिफेंसिव यूनिट की एरर की वजह से हुए, रादर देन सिटी ने बहुत ही अच्छा चांस क्रिएट कर दिया और अच्छी फिनिश। हाँ पहली वाली फिनिश बहुत बढ़िया थी, मगर अगेन वहां पे आप कह सकते हो कि एरर ही थी। हाँ तो भाई मैनचेस्टर सिटी जीतने वाली है ट्रेबल, और मैं तो नहीं चाहता कि वो ट्रेबल जीते, मैं तो नहीं बिल्कुल नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे मैनचेस्टर सिटी वैसे शायद भाई आज एक वीडियो आया है आज एक वीडियो है ट्रेंड वाला, अगर आपने देखा हो तो। यार मैं नहीं देख सका आज, मैं देखूंगा। हाँ तो उसमें कोई स्काई स्पेन का कोई बंदा पूछ रहा है उसको कि भाई सिटी ट्रेबल जीतेगा, तो वो कह रहा है कि वो ऐसा पूछ रहा है कौन जीतेगा। बहुत अच्छा वीडियो है, तो मतलब जो फैंस है उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है कि भाई सिटी ट्रेबल जीते तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितना हमको डर था कि अगर यूनाइटेड डबल जीत गई ना तो यूनाइटेड फैन भाई बोल के हमें सुना के मार देंगे, उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है सिटी के साथ। उनके लिए वाकई बड़ा सीजन अच्छा हो जाता अगर वो दो ट्रॉफी जीत जाते और टॉप फोर भी सिक्योर उन्होंने कर लिया था, तो शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। बस इंटर कुछ कर दे यार, कल मेरी बात हो रही थी सादिक भाई से, वो यही कहते हैं कि अगर इंजागी ने थोड़ा सा लुकाकू फाइनली अपने नाम जो इतना ज्यादा खराब हुआ है उसका पिछले दो सालों में उसको रिडीम करे, गोल करके जीता है और हमारा हीरो बने। अरे भाई उसके बाद मैं कभी ट्रोल नहीं करता, वैसे भी मैं नहीं करता, मगर फिर भी मजाक में हम कुछ बार बोल जाते हैं, मगर अगर उसने जीता दिया तो भाई रुका को कह सकते हैं अब हमको चाहिए फुल इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये हमारा छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन थी मैच के ऊपर। दर्शन भाई को मैं आप लोगों से लाजमी रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स बने हैं इंडिया गुजरात से, दर्शन भाई ने हमें ज्वाइन किया आज, उनको आपने करना है सब्सक्राइब, ठोकना है दैट लिवरपूल गाय, वो लिवरपूल के आशिक है, मुझसे भी बड़े आशिक है लिवरपूल के, उनका चैनल ही पूरा लिवरपूल के ऊपर है। तो आपने लाजमी, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, दर्शन भाई को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ये काम जरूर कर देना। एंड आई विल सी यू सून। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। हस्ता ला विस्ता। बाय 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 बाय।